वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आज के लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप्स आप लोगों ने जानी उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, हाउ द हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस एंड हाउ वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय कीपिंग इन माइंड द रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द लेक्चर इन डिटेल। sp3 hybridization, the first type of hybridization जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। sp3 hybridization की ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अगर एग्जांपल देखें तो मीथेन इसकी बहुत कॉमन और बहुत नोन एग्जांपल है, वेल नोन एग्जांपल हम कह सकते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह के एटम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, द वन इज़ कार्बन एंड द अदर इज़ हाइड्रोजन। अब जिस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम ड्रॉ करेंगे कार्बन की, तो हम देखते हैं इसका 1s2 कम्प्लीट है, 2s2 कम्प्लीट है और इसके 2p में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को इसके डीजनरेट ऑर्बिटल्स में फिल करने की कोशिश करते हैं तो इसका एक डीजनरेट ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होता है और इसके जो px और py या pz किसी एक में भी आप दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको फिल कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ए दोनों मॉलिक्यूल्स दोनों एटम्स जो कि उस बॉन्ड को फॉर्म कर रहे होते हैं अपने वैलेंस शेल में मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको म्यूचुअली एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ताकि इनके आउटरमोस्ट शेल जो होते हैं वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, अब यहां पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है जिस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने भी इसको सपोर्ट किया कि कार्बन के पास क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये दो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकती है दूसरी कार्बन एटम के साथ। ठीक है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि कार्बन जो होती है वो क्या करती है, वो चार तरह के बॉन्ड्स बना सकती है। ठीक है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास मीथेन है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें कोई फ्लॉ है। तो हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बिल्कुल ठीक है। होगा ये कि जब मॉलिक्यूल जो होगा ग्राउंड स्टेट में होगा उसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स रीशफल होंगे बिटवीन द सेम शेल्स, लेकिन उसके जो सब ऑर्बिटल्स होंगे उनमें थोड़ी सी रीशफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी और रीशफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ नए ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे, जिनकी पहले आप लोगों ने लास्ट वीडियो में एलैबोरेशन देखी। ठीक है, अब उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नतीजे में हमारे पास बॉन्ड्स होंगे। अब देखें तो हमारे पास तीन पी बॉन्ड्स हैं और जो हमारे पास है एक जो है वो 1s बॉन्ड है। चार बॉन्ड्स बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो चार बॉन्ड्स में से तीन बॉन्ड्स हैं जो कि पी ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से बने वो तो सेम है, जो हमारे पास एस ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से बनेगा वो क्योंकि स्फेरिकल होगा तो उसकी शेप और उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, तमाम जो बॉन्ड्स हमारे पास बनते हैं उनका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है और उन सबकी एनर्जी सेम होती हैं। तो होगा ये कि वो तमाम ऑर्बिटल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जनरेट करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो क्या होंगे, दे ऑल हैव अ सेम एनर्जी। तो हमारे पास 2s, 2px, 2py, 2pz में जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे और मिक्सअप होकर नए चार ऑर्बिटल्स जनरेट करेंगे जिनकी एनर्जी जो होंगी वो सेम होंगी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी दे ऑल विल बी द सेम। और हमारे पास 4 जो होंगे, अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो हमारे पास एस और पी की अगर हम देखते हैं कितनी प्रॉपर्टीज हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज की जो रेशियो होगी वो 1:3 होगी। ठीक है, बिकॉज वी आर हैविंग ओनली 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे डेफिनेटली उसमें ज़्यादा पी का कंट्रीब्यूशन है और एस हमारे पास सिर्फ एक है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स जो होंगी उसमें इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स की रेशियो होगी वो 1:3 रेशियो होगी। अब ये फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास कार्बन की जो है वो ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी में सिर्फ px में एक है, py में एक है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से s से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा इस अनपेयर्ड आप कह लें पी ऑर्बिटल में चला जाएगा और हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में अब चार जो हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और मिक्स होके हमारे पास
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे उनको जनरेट करेंगे. ठीक है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो हमारे पास अब फोर हैं, और ये फोर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं मिलके हमारे पास एक टेट्राहेड्रल शेप जो है उसको बनाएंगे मीथेन की, जिसमें हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी ऑफ 109.5. अब यहाँ पर हमारे पास जो मीथेन के केस में बॉन्ड्स बन रहे हैं, मीथेन जो होगा इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और जो हाइड्रोजन है उसके पास s ऑर्बिटल है, तो sp3s जो है वो यहाँ पर ओवरलैप होगा. इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान जो ओवरलैप होगा दैट विल बी बिटवीन sp3 एंड s. इसी तरह ये भी हमारे पास s और sp3 ओवरलैप के नतीजे में बॉन्ड बनेगा. इस बॉन्ड में भी हमें sp3 ओवरलैप देखने में मिलेगी, और इसमें भी sp3 ओवरलैप देखने में मिलेगा. ठीक है, तो द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज बीइंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैप बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द मीथेन इज द sp3, और हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और दे ऑल विल बी अ सिंगल बॉन्ड्स. हाइब्रिडाइजेशन की दूसरी टाइप की जब हम बात करते हैं तो दिस इज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इन्वॉल्व टू पी ऑर्बिटल्स एंड वन एस ऑर्बिटल एंड नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. और उसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो ईथेन का मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सेम एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े. अब यहाँ पर फर्क सिर्फ ये आएगा कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s ऑर्बिटल्स विल जंप अप टू द पी ऑर्बिटल्स और एक एक्साइटेड स्टेट में जा के वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जनरेट करेगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो थर्ड पी का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो इस हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा. जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे दैट विल बी द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो इस तरह से हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे. अब इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जब हम देखेंगे s और p करेक्टर की रेशियो तो वो हमारे पास 1:2 रेशियो आएगी. ठीक है, किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन द 2 कार्बन्स ऑफ द ईथीन मॉलिक्यूल बिकॉज इट इज़ हैविंग अ डबल बॉन्ड. तो एक कार्बन हमारे पास ये है, एक कार्बन ये है. इसका जो हमारे पास z ऑर्बिटल है, फर्ज करें हम यहाँ पर सिर्फ इनके फर्ज कर लीजिए दिस इज़ द पी ऑर्बिटल पी वाई ऑर्बिटल, और ये पी वाई ऑर्बिटल हमारे पास इस तरह से पैरेलल ओवरलैप करेगा और दूसरा बॉन्ड बनेगा जो कि हमारे पास पाई बॉन्ड होता है. और जो हमारे पास इसका पी जी है वो क्या करेगा दैट विल अब ये वाला जो था ये वो वाला इलेक्ट्रॉन था जिसने हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था. ठीक है, दिस विल फॉर्म द पाई बॉन्ड, और यहाँ पर हमारे पास जो होगा दूसरा ये हमारे पास पी जी हो गया और ये हमारे पास पी एक्स हो गया. इसी तरह ये हमारे पास पी वाई है, ये पी जी है, और ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये हमारे पास पी एक्स है. पी एक्स और हमारे पास जो पी जी हैं दे विल लीड्स टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ, यहाँ पर इसका ओवरलैप होगा sp2s ओवरलैप और sp2s ओवरलैप, इसी तरह से sp2s ओवरलैप एंड sp2s ओवरलैप. ये s जो होगा दिस इज़ दिस हाइड्रोजन और दी sp जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें. ठीक है, अब ये वाले जो हमारे पास 3 और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं दे आर लाइंग इन द प्लेन, और इस तरह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी अ ट्राइगोनल. जो बॉन्ड एंगल होगा बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स बिटवीन दिस ज्योमेट्री दैट विल बी 120 degree, और हमारे पास दो तरह के जो हैं वो बॉन्ड्स बनेंगे. द वन विल बी द सिग्मा बॉन्ड एंड द सेकेंड विल बी द पॉय बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन्स. और जो सिग्मा बॉन्ड होता है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर कंडेंस्ड एज कम्पेयर टू द पॉय बॉन्ड विच इज वीकर एंड मच डिफ्यूज्ड बॉन्ड एज कम्पेयर टू द सिग्मा बॉन्ड. द थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज द sp हाइब्रिडाइजेशन. इसमें भी हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में जो होंगे ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ओवरलैप वो मिक्सअप होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे उनको जनरेट करेंगे. लेकिन अब यहाँ पर एक और पी ऑर्बिटल कम हो जाएगा जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, और एक एस और एक पी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp जो होंगे उनको जनरेट करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर एस और पी का जो करेक्टर रेशियो है दैट विल बी 1:1. ठीक है,
अब इसका मतलब है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में भी हमारे पास, अब यहाँ पर भी हमारे पास जो दो कार्बन्स हैं और दो हाइड्रोजन्स हैं, वी आर हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम, और ट्रिपल बॉन्ड में दो हमारे पास जो होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। वो दो पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे? वो उन दो पी ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैप की वजह से बनेंगे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। और जो हमारे पास तीसरा पी ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, वो जो दो हाइड्रोजन्स हैं उनके साथ लीनियर ओवरलैप करेगा एंड दैट विल लीड्स टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। तो हमारे पास टोटल जो होंगे ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए हैं, इसमें इनमें लीनियर ओवरलैप होगा बिकॉज दे बोथ आर लाइंग ऑन द एक्सेस ऑफ द न्यूक्लियस। जो ओवरलैप हो रहा है उसके एक्सेस में है, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा दैट विल बी ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर sp जो होगा, sp, sp3 और sp2, दीज आर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हमारे पास सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे, और इसके अलावा हमारे पास इनमें जो था हाइब्रिडाइजेशन जो थी, हमने एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स को लेके पढ़ी। अब आप यहाँ पर डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेरिलियम क्लोराइड, तो ये एक ऐसा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास जो होती है एस पी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। बेरिलियम में भी इसका जो आउटर मोस्ट होता है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि इसके एस में दो होते हैं, 1s2 और 2s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। बेरिलियम इज़ द सेंट्रल मॉलिक्यूल और हम इसी की हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको कंसिडर करेंगे। इसका जो 2s का इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और जिस तरह के दो हाइब्रिड जो होंगे वो आप के ऑर्बिटल जनरेट करेंगे, दैट वन विल बी द 2s एंड अदर विल बी द 2p। बाकी जो p ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या करेंगे? वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से लीनियर हमारे पास जो होगा वो ओवरलैप आ जाएगा, इनके नतीजे में सिग्मा सिग्मा सिंगल बॉन्ड बनेंगे और दिस बॉन्ड विल बी फॉर्म बिकॉज ऑफ द sp2 फ्रॉम द बेरिलियम और pz फ्रॉम द क्लोरीन। Now you are looking at a chart in which we have drawn some properties, और ये वो आप कह लें कि समरी है हाइब्रिडाइजेशन की, जिसको गो थ्रू करके, जिसको रिवाइज करके आप सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। हम लोगों ने sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो है वो टाइप्स पढ़ी। sp हाइब्रिडाइजेशन वॉज एट हाइब्रिडाइजेशन जिसमें सिर्फ एक s और एक p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जनरेट कर रहे थे। तो वेन वी आर हैविंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी और ओरिएंटेशन लीनियर होगी और 180 डिग्री उसका उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं, BCl2 C2H2 है। इसके बाद हमारे पास अगर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, दो पी और एक एस ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो ट्राइगोनल उसकी ज्योमेट्री होगी 120 उसका बॉन्ड एंगल होगा, Br3 Gi3 CH3 are the examples of these molecules. So when we are having four valence electrons or four hybrid orbitals aapke paas aa jate hain jisme 3 p aur 1 s hoga to tetrahedral hogi aur 109.5 degree uska bond angle hoga jis tarah aap logon ne methane ke case mein padha. aur agar aapke paas char hi aapke paas hybrid orbitals hain lekin unme agar d orbital involve ho jayega to yahan se 1 p kam ho jayega aur ye char orbital 2 p 1 s aur 1 d char orbital milke स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे। आपके पास ये एक केस है जिसके केस में आपको प्लैटिनियम है और उसके साथ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं। आपको प्लैटिनियम विल बी द सेंट्रल एटम जिसकी हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं और दीज मॉलिक्यूल्स विल बी अरेंज्ड इन द कॉर्नर्स और 90 डिग्री का एंगल होगा उनके दरमियान। अगर आपके पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और उसमें एक जो है हमारे पास डी है, एक एस है और 3 पी ऑर्बिटल्स हैं, तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी उस मॉलिक्यूल की और 120 से 190 डिग्री दोनों एंगल उसमें मिल सकते हैं। PCl5 इसके एग्जाम्पल है हमारे पास और भी इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको बुक्स में मिल जाएंगी। व्हेन वी लुक एट द वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड व्हेन दिस नंबर रीच नंबर 6, तो हमारे पास 2d, 1s एंड
3p ऑर्बिटल्स विल मिक्स अप टुगेदर टू फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ऑक्टाहेड्रल उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी 90 डिग्री का उसमें एंगल होगा. और अगर हमारे पास 7 आ जाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो d भी हमारे पास 3 होगा, p कंप्लीट उसमें इन्वॉल्व होगा, s कंप्लीट इन्वॉल्व होगा और d के हमारे पास 5 में से 3 ऑर्बिटल्स होंगे उसमें इन्वॉल्व होंगे और हमारे पास 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके नतीजे में आएंगे. पेंटागोनल बायपिरामिडल उसकी ज्योमेट्री होगी, 90 उसका एंगल होगा. IF6 और ZEF IF7 और ZEF6 जो हैं उसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास. So this is all about the second lecture of hybridization. We will meet soon in the next lecture. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon and like and share my videos if they are increasing your knowledge. Aur comment section mein apna feedback zarur dete rahein.